हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदितिस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फी। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फी कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर। याद रहे, फुल क्रीम हमें दूध लेना है कुल्फी बनाने के लिए। आधी कटोरी चीनी ली है, कुछ केसर के धागे लिए हैं, 4 से 5 ले लीजिएगा, पिस्ता चॉप किया हुआ और बादाम चॉप किया हुआ। चलिए अब इसको हम बनाते हैं कैसे हैं। एक मोटे तले का कढ़ाई ले लीजिए और इसको ऑन कर लीजिए। गैस ऑन करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से दूध जब हम डालेंगे तो दूध तले में चिपकेगा नहीं। अब इसमें दूध ऐड कर दीजिए, 1 लीटर फुल क्रीम। याद रहे, कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए ताकि हमारे दूध चले नहीं। अब इसमें हम एक बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आने लगा है, गैस स्लो कर दीजिए और इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से चलाते हुए हम इसे दूध को पहले आधा ग्राइंड कर लेंगे। जब ये दूध आधा हो जाएगा, इस तरीके से देखिए किनारे इस तरीके से मिलाते हुए हम दूध को पका लेंगे आधा होने तक। इस तरीके से किनारे चलाते हुए आप मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस तरीके से ये आधा हो गया है, बिल्कुल दूध बिल्कुल हमारे यहाँ पे हो गई है। जब इस तरीके से ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। याद रहे, चीनी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अपना पानी छोड़ता है तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी देर उसको और पकाएंगे। यहीं पे मैं ऐड करूंगी केसर। केसर में मैंने 1 चम्मच दूध डाल के उसको भिगो के रख दिया था। इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। केसर हमें कलर लाने के लिए होता है कुल्फी का, और इसमें अच्छी से फ्लेवर होती है केसर की, वो अच्छे से आज मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से जब ये बॉयल आने लगे, ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। जब हमने चीनी ऐड किया था तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बादामी कलर का हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें हम यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जो मैंने लिखे थे, बादाम और पिस्ता चॉप किए हुए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है। इसे गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा कर लेंगे हम पूरी तरीके से। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इस तरीके से, मैंने यहाँ ग्लास में ऐड किया है, आप चाहे तो कुल्फी मोल्ड में इसको डाल सकते हैं। ग्लास को फिल कर लीजिए अच्छे से और इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल से हम यहाँ पे कवर कर देंगे और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस तरीके से देखिए ओवरनाइट के बाद मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ ये कैसे होएगा। देखिए कुल्फी जम गया है अच्छी तरीके से। यहाँ मैंने पे लिया है एक आइसक्रीम की स्टिक और इसको मैं बीच में इस तरीके से डालूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे इस तरीके से। उस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ट्विस्ट करते हुए हम इसे निकाल लेंगे प्लेट पे। इस तरीके से प्लेट में निकाल लीजिए और इसे सर्व कर लीजिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आप चाहे इस तरीके से खा सकते हैं या बच्चों की तरह इस तरीके से खा सकते हैं हाथ में लेके।